मिठाई का इतिहास मैं आपको बताऊंगा। पीथमपुर जो इंदौर के पास पड़ता है, वहाँ का सुप्रसिद्ध भुंडा तालाब, यह तालाब देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह बॉम्बे आगरा रोड पर पड़ता है, जिसे हैवी रोड कहते हैं, और यह पीथमपुर के जस्ट पास में पड़ता है। यहाँ से सारे पीथमपुर में पानी भी सप्लाई होता है। यहाँ पे यह प्राकृतिक का खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग देखने आते हैं डेली। आप देख रहे हैं ये संडे का दिन है, तो आज इतने लोग आए हैं। डेली भी आते हैं बाइकर्स, आते हैं साइकिलिंग वाले, आते हैं रनिंग वाले, आते हैं रनिंग वाले लड़के डेली डेली आते हैं। तो ये खूबसूरत नज़ारों का आनंद अगर आप लेना चाहते हैं, तो मैं आपको लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके अपने गूगल टाइम पे डाल सकते हो, डायरेक्ट आ सकते हैं। ये देखिए खूबसूरत नज़ारे प्राकृतिक के, इतने भव्य नज़ारे शायद आपने और कहीं नहीं मिलेंगे। आपको देखिए पानी, पहाड़, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं, पर परमिशन पुलिस से लेनी ही पड़ेगी आपको। यहाँ से ये वाटर प्लांट है, यहाँ से पूरा पीथमपुर एरिया, जो पीथमपुर राव है, यहाँ सारा पानी सप्लाई होता है। ये देखिए आपको प्राकृतिक खूबसूरत नज़ारे देखेंगे आप। अगर ठंडे में आएंगे, जब बारिश एंडिंग होती है, तो आपको वहाँ सिर्फ पानी ही पानी, जो आपको बाइड बाइड दिख रहा है ना, पूरा पानी से भरा जाता है। उतना था पूरा पानी ही पानी दिखेगा आपको। उधर पीछे झरना भी दिखेगा, वो आपके वीडियो के आगे बाद में बताऊंगा कहाँ से झरना बहता है। और ये देखिए वाटर प्लांट लगा है, पानी की टंकी बहुत बड़ी दिखेगी आपको। रोड से दिख जाती है, हाईवे के एकदम जस्ट बाजू में आप ये देखिए हाईवे जा रही है, आपको नीला नीला दिख रहा है, उसके बाद जस्ट बाजू में हाईवे जा रहा है। यहाँ डेली लड़के रनिंग करते हैं, लड़के लड़कियाँ सारे रनिंग करते हैं इधर आके। और ये देखिए दोस्तों तालाब बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ नीलगिरी के पेड़ लगे हैं, जैसे बाइट या बहुत सारे देख। और यहाँ का मंदिर हनुमान मंदिर है, यहाँ पर हनुमान मंदिर, सूर्य मंदिर है। ये देखिए यहाँ पे पार्क, एक गार्डन टाइप का बनाया हुआ मंदिर भव्य, ये देखे है हनुमान मंदिर है। यहाँ पे लड़के जो जो इस एरिया आप देख रहे हैं वीडियो में, यहाँ पे लड़के डेली इनका जिम है, जो आर्मी में ट्रायल करते हैं या आर्मी में जाने की इच्छुक है इस एरिया के लड़के। यहाँ पे सारे लड़के, यहाँ पर सारे के सारे लड़के बीए मारने आते हैं, डिप्स मारने आते हैं, रनिंग करने आते हैं, उनके लिए भी एक ये देखिए यहाँ पे सारे लड़के डीम बीम बी जो भी आपको आर्मी में जो भी रिक्वायरमेंट होती है सारी चीज़ें यहीं से पूर्ति कर लेते हैं। ये देखिए एकदम प्राकृतिक खूबसूरत नज़ारों के बीच में हर चीज़ मिलेगा आपको दोस्तों। यहाँ पे हॉरर, यहाँ पे खाना के लिए, पिकनिक के लिए सारे लोग आते हैं। संडे के दिन पिकनिक होती है, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, भव्य पूरा इंडिया का फेस्टिवल है, तो इधर के लोग बहुत ही मानते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी मारते जो आर्मी में रिक्वायरमेंट होती है सारी चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पे। ये देखिए और तालाब और खूबसूरत नज़ारा और प्राकृतिक से भरपूर आनंद ले सकते हैं यहाँ आके। जो ये देखिए ये यहाँ पे भी मारने, ये देखिए भी मारना, ये देखिए तालाब, यहाँ देखिए, ये देखिए, देखिए तालाब, इतना खूबसूरत नज़ारा आपको कोई से तालाब में नहीं मिलेगा। कहीं के तालाब भी जा सकते हैं आप, इतना खूबसूरत नज़ारा कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए पीछे तालाब, उसके पीछे पहाड़, छोटा पहाड़, बड़ा पहाड़, सारे पहाड़ दिखेंगे। पहाड़ों के बीच में गांव बसे हैं। ये देखिए पीछे नारियल के पेड़ दिख रहे हैं आपको। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा, ये देखिए ये आसमान, और इसमें तो इतना ब्यूटीफुल आज तक नज़ारा मैंने तो नहीं देखा। ये देखिए खूबसूरत पाली के पीछे हल्की काशी है। यहाँ पे आप पिकनिक, खाना ला सकते हैं, खा सकते हैं, पर कचरा ना फैलाइए। तालाब में जाना भी मना है, यहाँ पुलिस पेट्रोलिंग करती रहती है। ये रास्ता यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ये रास्ता से मैं नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नीचे उतर चुका हूँ। ये देखिए, ये देखिए अलग अलग एंगल से देखिए, जितना आप देखेंगे उतना ही आपके आने की इच्छा जागृत होगी। आप आइए, ये देखिए रास्ता, यहाँ पे लड़के रनिंग करते हैं सुबह 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 शाम। ये देखिए ये पानी, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करने आ सकते हैं आप, अगर इच्छुक हो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, नए नए पक्षियों की फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। फोटो शूट हो रहा है, बहुत से लड़के फोटो शूट कर रहे हैं मेरे को लगता है। ये नीचे एक और मंदिर है, यहाँ पे दो मंदिर है। ये देखिए ये भी हनुमान जी का मंदिर है, भी बहुत सुंदर मंदिर है, नीचे एकदम तालाब के जस्ट साइड में। ये देखिए इतना सुंदर नज़ारा आपको कहीं और नहीं देखने को मिल सकता है। ये पूरी वीडियो है, एक वीडियो में मैं सारे ला चुका हूँ। ये देखिए इतना खूबसूरत नज़ारा, ये शानदार, आप लोग तो उठाइए मैं थोड़ा।
ये रास्ता है, यहाँ पे बाइक चलाना थोड़ा संभल के करिए। वो अंकल जा रहे हैं, वो गिर चुके थे बाइक से। ये देखिए, ये मछली पकड़ने वाला रोक, ये पूरा पानी से भरा था ना, ताकि ये जाली इसलिए लगा था कि मछली उस साइड ना जा। वहाँ पे आपको झरना भी आगे देखिएगा। ये लोग कुछ रह रहे हैं इधर झोपड़ी बना के, पति पत्नी लग रहे हैं मेरे को। ये देखिए इतना खूबसूरत नज़ारा, ये देखिए प्राकृतिक से अद्भुत भरा हुआ ये दो पेड़। ये देखिए यहाँ पे पूरा पानी ही पानी दिखेगा आपको, अगर आप बारिश में आएंगे तो पूरा पानी से ढका हुआ होगा इस एरिया जी की ऊपर। अगर यहाँ से पानी इतना खूबसूरत बहता है, मैं आपको आगे में वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा।